हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अर्चना राय ब्लॉग में। और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस ठंड सर्दी में अगर गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो क्या बात है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोभी के पकौड़े की रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक बड़ा फूल गोभी लिया है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, इनको मैंने धो लिया है। और इसमें मैं हरी मिर्च वगैरह पीस कर डालूंगी। तो ये मैंने पेस्ट बना लिया है, हरी मिर्च, लहसुन, काली मिर्च, लौंग, अदरक, ये सब पीस लिया है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर बेसन लिया है करीब 2 कटोरी के करीब, उसमें मैंने ये पेस्ट डाल दिया है जो मिक्सर में मैंने पीस रखा था। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल इजी तरीके से टेस्टी पकौड़े बन जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने वो पेस्ट डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी हींग डाली है, बस और कुछ नहीं डालेंगे। अगर आप लोग चाहें तो लाल कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्च पीस कर डाली है तो मैं नहीं डालूंगी। और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये अपनी धनिया पत्ती है हरी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो बस इनको हम अच्छे से इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और बहुत बहुत ही टेस्टी लगते हैं गोभी के पकौड़े, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर देखिए, गोभी का पानी सूख चुका था। और इनको हमें कोई फ्राई व्राई नहीं करना है, बस गोभी ऐसे ही लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। और बस तेल के गर्म होते ही ये जो गोभी है उसको मैंने उसी बेसन के घोल में डाल लिया है। और इसको हम इसमें डिप कर कर पूरा इनको कवर करके, मतलब अच्छे से। और बेसन हमें ना ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही ज़्यादा एकदम से पतला करना है, मीडियम साइज़ में। तो बस अब हम देखिए, गर्मा गर्म पकौड़े तल रहे हैं। और आप लोग भी खाइए, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए, हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं, होने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पकौड़े सिक गए हैं और इतने टेस्टी लगते हैं ये पकौड़े, बहुत ज़्यादा। तो देखिए, पकौड़े मेरे अभी बनकर तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने टमाटर की चटनी बनाई है, और मैं आपको देखो एक पीस तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो गोभी है इसको मैं दिखा रही हूँ तोड़कर कि ये पका कि नहीं। तो देखिए, अंदर से कितनी अच्छी भाप निकल रही है। और देखिए, गोभी भी हमारा पक गया है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।